अच्छा, इस वक्त हम अस्मतुल्लाह झील पर मौजूद है और अस्मतुल्लाह झील बहुत ही खूबसूरत है। इमरान भाई भी मेरे साथ है। इमरान भाई ने भी काफी इंजॉय किया और मतलब इनको ये जगह बहुत अच्छी लगी। मोहडन झील से भी ज्यादा खूबसूरत जो है ना, वो कह रहे हैं कि सिपुल्लाह झील मुझे अच्छा लगा और इसके बाद ये अस्मतुल्लाह झील भी। ये तीन भाई थे, पता नहीं कि आगे हमारे साथ सरमतुल्लाह भी मौजूद है, तो पता नहीं कि कितने भाई है यहाँ पर, लेकिन ये वाकई खूबसूरत झील है और रूट जो है ना काफी खस्ताहाल है। आम गाड़ी यहाँ पर आना जाने के लिए मुश्किल है, गाड़ी चाहिए जीप हो। तो भाई आपको कैसा लगा ये सैफुल्ला झील? नंबर वन अच्छा, नंबर दो मोहडन झील अच्छा, और नंबर तीन पे ये वाली। और ठीक है, वो भी दिखाते हैं अभी चलते। हमने वहाँ हमने अभी ठीक है, अगर मुद्रा से बात करते हैं हमने यहाँ पर तकरीबन 10 केजी ट्राउट मछली है वो पकड़ी थी, 22 केजी मछली यहाँ पर मिली और रात भी यहाँ गुजारी, तो बहुत खूबसूरत जगह आगे मिलते हैं। ये कुदरती दरख्त है, हरियाली है, लोगों ने अपने मतलब आपके तहत यहाँ टेंट लगाए हैं, पाकिस्तानी झंडा भी जो है ना वो यहाँ पर जो किश्तियाँ हैं उस पर लगे हैं, यार के बड़े बड़े दरख्त हैं। इसी यहाँ पर कितना खूबसूरत है। इमरान भाई जो है ना वो भी यहाँ पर आए हैं, इमरान भाई से जानते हैं। इमरान भाई ये बताएं कि आपको झीलों में कौन सा झील अच्छा लगे? सबसे अच्छी है, अच्छा सबसे अच्छी है सैफुल्ला नाम है, सैफुल्ला नाम है, सैफुल्ला जो है वो सबसे बेहतर है। गुजरात थोड़ा एरिया बड़ा है मोहडन का, लेकिन जो ग्रीनरी और पानी का जो ब्लू कलर है और जो यहाँ पे माउंटेन्स करीब हैं उसकी वजह से ये ज़्यादा मशहूर। यहाँ पे दरख्त भी वतन ज़्यादा है, एरिया थोड़ा कम है लेकिन थोड़े एरिया में ज़्यादा चीज़ें हैं और नेचर को आप ज़्यादा यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल, नो मैन बिल्कुल ठीक है।